सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 9 बजे होती है और डेली इस टाइम हम आप सभी को इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, आज जो 10 बजे वाली क्लास आएगी वो हम आज मॉक टेस्ट नहीं डिस्कस करेंगे। आप कह सकते हो कि हर डेली आप सभी को एक मतलब मॉडल पेपर, जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो आप सभी का जो रिवीजन है और जो प्रैक्टिस है, किस तरीके से एग्ज़ाम में कितने समय में कौन सा क्वेश्चन पूरा हो जा रहा है, पूरा इस तरीके से अब आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ सिचुएशनल अप्रोच, यानी सिचुएशनल अप्रोच क्या है। ठीक है, उसके पहले हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में जाना था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में जाना था, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में जाना था, स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में जाना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप बहुत ही शुरुआत से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल यहाँ तक डिस्कस किया था सिचुएशनल मेथड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑडियो विजुअल मेथड क्या होता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड, इसके कितने प्रकार होते हैं जो कि आप बहुत ही आसानी भाषा में समझ सकेंगे और इसको याद भी कर सकेंगे। और अगर एग्ज़ाम में ऑडियो विजुअल से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछता है तो उसको 100% करके आप सभी आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला लाइन जो कहता है, हमने कल भी आप सभी को बताया था। ठीक है, तो चलिए क्योंकि स्टार्ट है तो बिल्कुल शुरुआत से। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड इज टू फैसिलिटेट द टास्क ऑफ क्लासरूम टीचर टू मेक हिज टीचिंग जॉब मोर इफेक्टिवली। यानी जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है, यह एक जो शिक्षक होता है उसकी जो जॉब होती है टीचिंग की, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ये जो आपका जो सुविधा दिया जाता है, वो अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाता है अपने क्लासरूम में तो किसी भी टॉपिक को और भी ज़्यादा इफेक्टिवली, आप कह सकते हो प्रभावी ढंग से पढ़ा सकता है। तो यह एक टीचर के जॉब के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिसको समझाने के लिए उसे उतना दिक्कत नहीं सहने पड़ती है, वो ऑडियो और विजुअल यानी वीडियो की सहायता से, या आप कह सकते हो फैसिलिटेट यानी उसकी सुविधा से, उन बच्चों को बहुत ही आसानी के साथ सिखा सकता है, पढ़ा सकता है। तो ये लाइन याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड इज़ टू फैसिलिटेट द टास्क ऑफ द क्लासरूम टीचर टू मेक हिज टीचिंग जॉब मोर इफेक्टिवली। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पहला लाइन आप सभी को याद, देखिए मैं ज़्यादा आप सभी को नहीं कहूँगी कि आप इसको याद करो, ज़्यादा याद करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। जितना आपके लिए ज़रूरी है, जितना आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो बस उतना ही याद करना है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा दिया है, इतना याद करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक ही क्वेश्चन लिखते रह जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इसी क्वेश्चन में टाइम चला जाएगा, और जो कॉपी चेक करता है वो भी समझेगा कि इसने एक ही क्वेश्चन का पूरा फुल प्रिपरेशन करके आया है और इसी पे अपना पूरा टाइम वेस्ट किया है। और वो जो टीचर होता है वो बस 1 से 2 नंबर के लिए असाइन करता है, उसको पता होता है कितने लाइन में कौन सा स्टूडेंट लिख रहा है, मात्र जो लघु उत्तर होता है 4 से 5 लाइन में बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। तो पहला लाइन आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, देखिए दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट्स फैक्ट है, सिर्फ वही हम लोग डिस्कस करेंगे। देख सकते हो जो दूसरा ये लाइन है, ये भी महत्वपूर्ण है। द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज पोपल्स बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए पोपल्स मतलब क्या होता है, शिष्य, अटेंशन मतलब होता है आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, कैच मतलब अपनी ओर या पकड़ना, बच्चों का जो भी ध्यान है अपनी ओर खींचना। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस यानी किसके द्वारा, किसके माध्यम से, तो ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो शिक्षक है इन ऑडियो वीडियो के माध्यम से बच्चों या कह सकते हो शिष्यों का ध्यान
आकर्षित कर सकते हैं। क्लियर? तो ये दो लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें और ज़्यादा याद करने का मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसके देखिए फ्रेंड्स, तीसरा जो आपका फैक्ट है, इसको भी आप याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको ना ही याद करें तो बेटर है। अब देखिए, तीसरा जो लाइन कह रहा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द टाइम हैज़ कम व्हेन द इंग्लिश टीचर लाइक द साइंस टीचर और हिस्ट्री टीचर मे लेजिटिमेटली आस्क फॉर एन इंग्लिश रूम वेयर ऑडियो विजुअल कैन बी यूज वेयर नीड अराइजेज। देखिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण डिफिकल्ट वर्ड है, इसका हिंदी क्या होता है, तो वैध तरीके से इसको हम पढ़ते हैं लेजिटिमेटली। ठीक है, वैध तरीके से, यानी सिंपल यहाँ पे कह रहा है कि अब वह समय आ गया है कि कोई भी ऐसा टीचर, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश का टीचर हो या साइंस का टीचर हो या फिर हिस्ट्री का टीचर है, अगर उसे आवश्यकता पड़ती है तो कभी भी ऑडियो विजुअल, यानी जो भी ऑडियो विजुअल है, जो एड्स हैं, इनका यूज़ कर सकता है। और वो भी एक, आप कह सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट का एक अलग रूम दिया जाए, ताकि वो बहुत ही आसानी के साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बता सके, समझा सके। ठीक है, इफेक्टिवली तरीके से। तो इस तरीके से ये तीन पॉइंट बस, ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, इसमें आप सभी को बस तीन पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि अब ये भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। द इम्पोर्टेंस, पहला लाइन फिर से एक बार मैं आप सभी को रिपीट कर दे रही हूँ। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड इज़ टू फैसिलिटेट द टास्क ऑफ क्लासरूम टीचर टू मेक हिज टीचिंग जॉब मोर इफेक्टिवली। ठीक है, सेकेंड जो आप सभी को याद रखना है, द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज पीपल्स बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो, वरना शॉर्ट में पूछे तो सिर्फ दो ही। तीसरा पॉइंट ये याद कर सकते हो, द टाइम हैज़ कम व्हेन द इंग्लिश टीचर लाइक दिस साइंस टीचर और हिस्ट्री टीचर मे लेजिटिमेटली आस्क फॉर एन इंग्लिश रूम वेयर ऑडियो विजुअल कैन बी यूज्ड व्हेन नीड अराइजेज। सो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, इसके बारे में आप सभी को नॉलेज हो गया होगा और आसानी के साथ इसका आंसर आप कर सकते हो। चलिए, ऑडियो विजुअल से रिलेटेड एक और सवाल है। जैसे फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जब हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा था कि ऑडियो विजुअल एड्स के प्रकार नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, राइट द काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी ऑडियो विजुअल के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी तक हमने जाना ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, या ये सबसे ज़्यादा किसके लिए ज़रूरी होता है, तो एक शिक्षक के लिए। और शिक्षक के लिए क्यों ज़रूरी होता है, ताकि जो भी इसके स्टूडेंट्स हैं, वो जो भी पढ़ा रहा है बहुत ही प्रभावी ढंग से, वो अब जो भी पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को आकर्षित कर सके। तो यहाँ पर अब पूछा है कि ऑडियो विजुअल के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। जिसमें पहला लाइन कह रहा है कि, और हमने पहले भी इस टॉपिक से प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं, देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए, विजुअल को हम वीडियो भी कहते हैं, सो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कह रहा है पहला लाइन कि देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी जो आपका ऑडियो विजुअल एड्स हैं, इसके कई प्रकार हैं या विभिन्न प्रकार के प्रकार हैं, जिसमें हम चार प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो लाइन है वो है द सिंपल विजुअल एड्स। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को हेडिंग याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद हो या ना हो, लेकिन ये याद होना चाहिए चार प्रकार में कौन कौन से नाम आ जाते हैं। तो द सिंपल विजुअल एड्स, उसके बाद से सेकंड याद कर सकते हैं आप द मैकेनिकल विजुअल एड्स। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो है वो है द मैकेनिकल ऑडियो एड्स। इसमें कोई भी डिफरेंट
अगर आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि द मैकेनिकल यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विजुअल यानी वीडियो है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ ऑडियो है। तो इस तरीके से द मैकेनिकल विजुअल एड्स, और उसके बाद से जो तीसरा है द मैकेनिकल ऑडियो एड्स, चौथा जो है वो है द मैकेनिकल ऑडियो और विजुअल, मतलब दोनों ही आ जाते हैं, ऑडियो भी आ जाता है और विजुअल भी आ जाता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि द सिंपल विजुअल एड्स में क्या होता है, द मैकेनिकल विजुअल एड्स में क्या आता है, द मैकेनिकल ऑडियो एड्स में क्या आता है, और द मैकेनिकल ऑडियो विजुअल एड्स में क्या क्या आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है द सिंपल विजुअल एड्स। इसको तो आज तो आप सभी को याद ही कर लेना है, ऑडियो विजुअल। अगर आप टाइम दे रहे हो तो टाइम का लाभ भी उठाइए, और इसको याद करना है तो करना है, आप अपने कॉपी में अच्छे से इसको लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक याद होगा नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑडियो द सिंपल विजुअल एड्स में आ जाता है ब्लैक बोर्ड आ जाता है, चाक बोर्ड आ जाता है, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड आ जाता है, फ्लानेल ग्राफ आता है, फ्लानेल बोर्ड आ जाता है, बुक्स आ जाता है, चार्ट आता है, डायग्राम्स आता है, ग्राफ्स, कार्टून्स, मैप्स, पिक्चर, ग्लोब एंड मॉडल्स। तो ये सभी क्या है, सिंपल। आपने देखा भी होगा जब एक स्कूल या अपने कॉलेज में आपके ये जितने भी एड्स होते हैं आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं, ब्लैक बोर्ड भी, वाइट बोर्ड भी, चाक बोर्ड भी, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड भी, फ्लानेल ग्राफ भी, फ्लानेल बोर्ड भी, बुक्स, चार्ट, डायग्राम्स, ग्राफ, कार्टून्स, मैप्स, पिक्चर, ग्लोब्स एंड मॉडल्स। तो ये सभी क्या है, द सिंपल विजुअल एड्स में आते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में देखिए क्या क्या आता है। तो यहाँ पर द मैकेनिकल विजुअल एड्स यानी वीडियो आप कह सकते हो, मैजिक लालटर्न, उसके बाद यहाँ पे मैजिक लालटर्न यानी आप इसको सिंपल कह सकते हो लालटेन, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ईपी डाइस्कोप, फिल्म स्ट्रिप, ठीक है। तो ये दो नाम महत्वपूर्ण है द मैकेनिकल विजुअल एड्स में, दो नाम याद रख लीजिएगा, मैजिक लालटर्न और उसके बाद से ईपी डाइस्कोप, फिल्म स्ट्रिप, ठीक है, तीन है ये, अलग अलग है। तो मैजिक लालटर्न, ईपी डाइस्कोप और फिल्म स्ट्रिप, क्लियर। तो ये मैकेनिकल विजुअल एड्स में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे द मैकेनिकल ऑडियो एड्स में क्या क्या आता है, तो द मैकेनिकल ऑडियो एड्स यानी इसमें ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। तो ये भी इजी है, आसानी के साथ याद हो जाएगा, द मैकेनिकल ऑडियो एड्स में ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। लास्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है चौथे में, तो चौथे में आता है द मैकेनिकल ऑडियो विजुअल एड्स यानी ऑडियो भी और विजुअल भी दोनों ही शामिल है। तो इसमें आप देख सकते हो सिनेमा, टेलीविज़न, जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन होता है, क्योंकि आप जो सिनेमा होता है इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जो टेलीविज़न है जो कि आपके घर में लगा होता है तो इसको भी हम क्या करते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जो सेकंड दिया है, द थर्ड दिया द ऑडियो, क्योंकि हम ग्रामोफोन में केवल सुन सकते हैं, रेडियो आपके घर में होगा तो आप उसको केवल सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर यानी उसको केवल हम सुन सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें विजुअल यानी जो मैजिक लालटर्न होता है, लैंटर्न इसको हम, या लालटर्न भी पढ़ सकते हो, लैन या लार, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, एपी डाइस्कोप या फिल्म स्ट्रिप इसको भी हम देख सकते हैं, सिंपल विजुअल एड्स जो कि आपके घर, आपके स्कूल, आपके कॉलेज में हमेशा आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये थे ऑडियो विजुअल से रिलेटेड क्वेश्चन, और इससे बाहर ऑडियो विजुअल एड से रिलेटेड क्वेश्चन बाहर पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि बाइलिंगुअल अप्रोच क्या होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। तो आज हमने जाना कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, जिसमें आप बहुत ही आसानी के साथ, चलिए एक बार तीन पॉइंट, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और देखिए डायरेक्ट मेथड का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, प्रिंसिपल, ठीक है, इसका आंसर आप सभी को लाइव चैट में नहीं, कमेंट्स बॉक्स में करना है।
अब यहाँ ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, देन इसका आंसर होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड इज टू फैसिलिटेट द टास्क ऑफ क्लासरूम टीचर टू मेक हिज टीचिंग जॉब मोर इफेक्टिवली. सेकेंड पॉइंट द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज पीपल्स बाई द हेल्प ऑफ दिस ऑडियो विजुअल एड्स. थर्ड है द टाइम हैज़ कम वेन द इंग्लिश टीचर लाइक द साइंस टीचर और हिस्ट्री टीचर मे लेजिटिमेटली आस्क फॉर एन इंग्लिश रूम वेयर ऑडियो विजुअल कैन बी यूज वेन नीड्स अराइज. तो ये ऑडियो विजुअल है क्या. सेकेंड जो क्वेश्चन है राइट द काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स या ऑडियो विजुअल के कितने प्रकार हैं. देन ऑडियो विजुअल के डिफरेंट बहुत सारे प्रकार है जिसमें हमने चार द सिंपल विजुअल एड्स के बारे में जाना जिसमें ब्लैक बोर्ड चाक बोर्ड एवरीथिंग ये सभी आ जाता है. सेकेंड हमने जाना द मैकेनिकल विजुअल एड्स जिसमें मैजिक लालटन एपीडाइस्कोप एंड फिल्म स्ट्रिप. द मैकेनिकल ऑडियो एड्स में ग्रामोफोन रेडियो टैप रिकॉर्डर एंड फोर्थ में हमने देखा द मैकेनिकल ऑडियो विजुअल एड्स यानी सिनेमा टेलीविज़न ईजीसी. तो फ्रेंड्स आज हमने ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में जाना. कल हम जानेंगे बायलिंगुअल मेथड क्या होता है और बहुत ही आसानी के साथ जितने भी जिस तरीके से आप सभी को याद हो जाए उसी तरीके से हम आप सभी को प्रोवाइड करने का मतलब पूरी तरीके से कोशिश करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं 10 बजे. पहला मॉडल पेपर होगा जो कि पहला मॉडल पेपर जो होगा वो आप सभी का रहेगा यहाँ पे हिंदी का. ठीक है, पहला मॉडल पेपर हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे हिंदी, क्योंकि देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं हम आप सभी को डेली प्रोवाइड करेंगे. जिस तरीके से मॉक टेस्ट होता था हर एक सब्जेक्ट का उसी प्रकार से जो मॉडल पेपर है आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे. तो आज से ही स्टार्ट है, तो मिलते हैं रात 10 बजे. तब तक आप सभी जो अपना प्रिपरेशन है और इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा कि जो डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि है वो कहाँ से लिया गया है. ठीक है, मतलब इसका सिद्धांत. तो चलिए इसका आंसर कीजिएगा. मिलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.